अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, इस समय की एक बड़ी खुशखबरी आ रही, तो जरा दोस्तों इस खुशखबरी को देखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों आप कोई भी स्टे नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे केस स्टेटस में तो पेंडिंग दोस्तों लिख के आ रहा है, लेकिन इससे पहले दोस्तों एक और स्टेटस आया था जहां पर दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा था स्टेट ग्रांटेड। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों अब एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई भी स्टे नहीं है। और दूसरी बात, अगली सुनवाई दोस्तों आपकी होगी 14 जुलाई 2020 तक, लेकिन एक बात आपको कंफर्म है कि आपको दोस्तों जो नियुक्ति पत्र मिलेगा वो 3 से लेकर 6 जून तक मिलेगा। मतलब साफ है दोस्तों, जब अब अगली सुनवाई आएगी तारीख, तब तक दोस्तों आप लोग 1 महीने की सैलरी भी उठा चुके होंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों आप 69,000 शिक्षक भर्ती में 90-97 की यहाँ पर एक बड़ी जीत है। अब देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का नियुक्ति पत्र का रास्ता भी साफ हो चुका है, क्योंकि जब अगली सुनवाई ही दोस्तों अब 14 जुलाई को होगी, तो उससे पहले कुछ हो नहीं सकता, ये बात अब सबको कंफर्म हो चुका है। लेकिन एक बात और है दोस्तों, अभी ऑर्डर का है इंतजार। तो दोस्तों अभी तक ये ऑर्डर नहीं आया, खाली केस स्टेटस में दोस्तों आपका ऐसा शो हो रहा है, लेकिन दोस्तों जब ऑर्डर आएगा उसके बाद हो सकता है कि कुछ चीजें और क्लियर हो। जहां पर दोस्तों ये बातें हो रही थी कि शिक्षा मित्रों के जो बच्चे पास होंगे शिक्षा मित्र में, मतलब उनका दोस्तों रोल नंबर ये सब मांगा गया है कि जो 40-45% पर पास होंगे उनका देखा जाएगा। लेकिन अब दोस्तों हो सकता है कि शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुका है, क्योंकि सरकार ने सब कुछ यहाँ क्लियर कर दिया है। और आपको दोस्तों देख लेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है, और आपको 3 जून से लेकर 6 जून तक दोस्तों आपके पास नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा। उसके बाद मामला कोर्ट में चलता रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं दोस्तों क्या सरकार लेगी कोई बड़ा फैसला। देखिए, अभी फिलहाल आज की डेट में सरकार को कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों स्टे लगता है तो सरकार अंतरिम राहत देकर भी नौकरी दे सकती है, ये सबको पता है। तो मतलब कुल मिला के अब ये कहा जा सकता है कि अब ये भर्ती किसी भी प्रकार से दोस्तों कहीं पर भी लटकने फंसने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक समय के यार दिन में ऐसा लग रहा था जब 40-45 टीम आपने देखा होगा, टीम रिजवान दोस्तों चाहे सीतापुर टीम रही हो, काफी दोस्तों उनके मैसेजेस अपडेट्स आए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में स्टे लग चुका है। लेकिन दोस्तों फिलहाल अब तक कोई स्टे नहीं है, और दोस्तों इसका ऑर्डर आएगा तो उसके बाद और चीजें क्लियर होंगी कि अब ये दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में क्या कोई चेंजेस होगा या नॉर्मल जैसे दोस्तों चल रहा था वैसे ही नौकरी मिलेगी। और देखिए, अच्छी बात आपको बता दें, अगर दोस्तों स्टे लग जाते हैं कोई दिक्कत होती तो 70 से कम गुणांक पर दोस्तों नौकरी ना मिल पाती। लेकिन दोस्तों 90-97 की जीत के बाद हम आपको ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि 70 से कम गुणांक होंगे तो भी दोस्तों आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन एक बात फिर बता रहे दोस्तों, अगर शिक्षा मित्रों की जीत होती है यहाँ पर 40-45 की, तो जितने भी छात्र 70 से कम गुणांक है, अगर दोस्तों आप एटलीस्ट 69 पर आ रहे हैं, 68 गुणांक पर आ रहे हैं, 67, सबका दोस्तों नौकरी से मतलब जो मिल सकता था नियुक्ति पत्र वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों शिक्षा मित्रों की जब एक हार होगी या 90-97 की जीत होगी, तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप 65 गुणांक तक भी है तो भी दोस्तों आप नियुक्ति पत्र की एक उम्मीद कर सकते हैं, आपको नौकरी मिल सकती है। तो मतलब अब दोस्तों आपका जीत मतलब नहीं होता कि बिल्कुल करीब है, और दोस्तों आपको नियुक्ति पत्र का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। अब कोई भी डरने वाली जीत बातें नहीं रह गई, क्योंकि दोस्तों अभी जो आपकी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है उसके हिसाब से दोस्तों जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती का जो केस स्टेटस है वो पेंडिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पर कोई भी स्टे वाला कोई वर्ड्स नहीं लिखा है। अभी तक दोस्तों थोड़ी देर पहले आप देख रहे होते तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा लिखा था, मेंशन किया गया था स्टे वाला लेकर। ठीक है, तो फिलहाल जब अब स्टे है ही नहीं तो फिर डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो जो छात्र पास है, और सबको तो नौकरी नहीं मिल पाएगी सबको पता है, लेकिन फिर भी अधिकांश ऐसे छात्र होंगे जो कम गुणांक पर भी नौकरी लेकर जाएंगे। देखिए, सबसे ज्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती में फायदा होगा एससी कैंडिडेट को, जहां पर तकरीबन 24,000 छात्र पास हो रहे हैं और तकरीबन दोस्तों 15,000 छात्रों को नौकरी मिलेगी, तो एससी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा फायदा होगा। फिर दोस्तों उसके बाद बारी आती है ओबीसी कैंडिडेट, यहाँ पर छात्र बहुत ही बड़ी तादाद में पास हो रहे हैं, 84,000 समथिंग। लेकिन ओबीसी में दोस्तों फायदा आपको पता है क्या मिलेगा, काफी ज्यादा छात्र दोस्तों हाई मेरिट वाले हैं तो वो छात्र ओवरलैप कर जाएंगे, तो बस दोस्तों आपको यही से फायदा मिलेगा। तो फिर उसके बाद जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में भी काफी छात्र पास हो रहे हैं। जनरल में दोस्तों सीट्स देखिए, यूआर कैटेगरी पर सीट्स बहुत ज्यादा है अनरिजर्व में, लेकिन जनरल में दोस्तों इस समय ईडब्ल्यूएस की मांग की जा रही है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन दोस्तों, जहां पर 10% आरक्षण की बात कही गई है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, 10% अगर आरक्षण मिलेगा तो मतलब 6,900 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए भी दोस्तों आरक्षित हो जाएंगी, जैसे ओबीसी में तकरीबन 18,000 सीटें हैं, एससी में दोस्तों तकरीबन 15,000 सीटें। देखिए आपका दोस्तों जो सीटें बंटवारा हुआ है वो कैसे हुआ है, देखिए 27% दोस्तों सीटें आपके लिए मतलब
ओबीसी कैटेगरी में आती है। बाकी दोस्तों आज एक और पोस्ट आई थी, उसको जरा हम आपको दिखा देते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटी के दोस्तों 1,110 खाली पदों पर एससी को मिलेगा नियुक्ति का मौका। जी हाँ दोस्तों, प्रसदी प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1,110 पद खाली रह जाएंगे। इस स्थिति में आरक्षण नियमों के अंतर्गत एसटी के इन अतिरिक्त मतलब रिक्त पदों के दोस्तों जो 1,110 पदों पर अनुसूचित जाति या एससी के अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। देखिए यूपी में किसी भी भर्ती में ओबीसी को 27%, एससी को 221 व एसटी वर्ग के अभ्यर्थी को 2% आरक्षण दे है। इस लिहाज से दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटी के लिए 1,380 पद होते हैं, लेकिन 12 मई को घोषित रिजल्ट में एसटी के मात्र 270 अभ्यर्थी सफल हुए। इस लिहाज से 1,110 पद खाली बचेंगे। इसका सीधा लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को मिल जाएगा और कम मेरिट वाले भी टीचर बन पाएंगे। फिर दोस्तों देखिए, दरअसल 21% आरक्षण के लिहाज से एससी वर्ग के कुल 14,490 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा में एससी के कुल 224,308 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। काफी संख्या में एससी के छात्रों ने लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं, इसलिए दोस्तों उनका चयन सामान्य वर्ग में हो जाएगा। बचे हुए छात्रों को आरक्षित वर्ग और एसटी में दोस्तों एससी में परिवर्तित होने पर 1,110 कुल 15,200 पदों पर चयन का अवसर मिलेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन एससी कैटेगरी के सभी छात्रों का सिलेक्शन 69,000 शिक्षक भर्ती में पक्का है, लेकिन कुछ छात्र हो सकते हैं बाहर हो जाए, लेकिन अधिकांश छात्र दोस्तों नियुक्ति पत्र दोस्तों लेकर ही जाएंगे। तो मतलब देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है। लेकिन हाँ, एक बात और यहाँ इम्पोर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों आज ऑर्डर आएगा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों उसमें शिक्षा मित्रों को लेकर एक बात कही गई है कि जो शिक्षा मित्र 40-45% पर भी पास हो रहे हैं उनकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। अगर दोस्तों इसमें कंडीशन लगाई जा सकती है, जी हाँ दोस्तों, जिसको हम एक बीच का रास्ता कह सकते हैं, लेकिन 90-97 पर उसमें छात्रों का नुकसान होगा। उसमें कंडीशन ये लगाई जा सकती है कि जो बच्चे 40-45% पर मतलब जो शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, और दोस्तों जो बच्चे 90-97 मेरिट पर पास हो रहे हैं उनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। ठीक है, मतलब बीटीसी और बीएड की सिंपल सी बात कही गई है। और एक बात दोस्तों यहाँ पर और निकल कर आ सकती है बीच में कि जो बच्चे मतलब बीटीसी बीएड के 90-97 पर पास नहीं हो रहे उनको फेल माना जाए। तो मतलब दोस्तों इससे कंपटीशन काफी टफ हो जाएगा, काफी तगड़ा हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि 40-45% पर शिक्षा मित्रों की तादाद बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और तकरीबन 35,000 से 40,000 शिक्षा मित्र पास हो जाएंगे। तो मतलब आधे से ज्यादा 200 सीटों पर शिक्षा मित्र का कब्जा हो जाएगा। फिर मतलब तब भी नौकरी मिलेगी, लेकिन दोस्तों फिर ये कंडीशन अप्लाई होगी जो हमने आपको बताया कि उस कंडीशन में अगर आपके 70 से कम गुणांक हैं तो फिर दोस्तों आप नौकरी की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर 40-45 कट ऑफ लगती तो दोस्तों कम से कम आपके पास आज की डेट में 70+ गुणांक होने चाहिए, तभी दोस्तों आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, अन्यथा आप 69,000 शिक्षक भर्ती में रेस से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि काफी बड़ी तादाद में दोस्तों ओबीसी जनरल और एससी के छात्र 70+ गुणांक में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। देखिए ओबीसी में आपने देखा होगा काफी टॉपर्स, आपने देखा होगा पटेल भाई लोगों का जलवा था और 140-142 ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया इस बार। तो इतना आसान देखिए नौकरी पाना तो नहीं है, तो 69,000 में फिर भी दोस्तों आसान रहेगा नौकरी पाना, लेकिन 69,000 के बाद आने वाली वैकेंसियों में नियुक्ति पत्र का दोस्तों रास्ता काफी कठिन होने वाला है, ये बात आप समझ चुके हैं। और एक बात और आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहेंगे, अब नियुक्ति पत्र का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जब अगली सुनवाई आपकी 14 जुलाई की होगी तब तक सब कुछ दोस्तों इस भर्ती में आपको मतलब नियुक्ति पत्र, एक महीने की सैलरी, ये सब सारा तामझाम हो चुका होगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में सबको पता डेट्स काफी टाइम टाइम पर लगती है, जैसे आज दोस्तों आपने एक एग्जाम्पल देख लिया, तो आज दोस्तों हमारी तारीख कितनी थी 21 मई, और दोस्तों जो आपको नई तारीख मिली है वो 14 जुलाई। तो ऐसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबी लंबी डेट्स मिलती हैं, तो वो सबको वैसे पता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए 90-97 की जीत के बाद दोस्तों सरकार एक पॉजिटिव दोस्तों फैसला सुना सकती है, मतलब अपनी तरफ से और ले सकती है कि अगर इन केस आने वाले टाइम में दोस्तों कुछ होता है भर्ती में तो यहाँ पर अंतरिम राहत देकर नौकरी दी जा सकती है। फिलहाल हम लोग ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में नीचे आपको एक लिंक दिया, वहां पर आप जाकर ओपन करके चेक करते रहिए जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी। दोस्तों हो सकता है आप वीडियो को बाद में देख रहे हो, तो वहां लेटेस्ट अपडेट्स या ऑर्डर वहां पर दोस्तों सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि वहां शिक्षा मित्रों को लेकर कुछ बातें डिफाइन की जा सकती है। बाकी दोस्तों 90-97 या 69,000 शिक्षक भर्ती में अब किसी भी प्रकार का कोई स्टे न होने के कारण ये भर्ती प्रक्रिया दोस्तों अब रुकने वाली तो नहीं है। अगर स्टे लग जाता तो हो सकता था कि ये भर्ती प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोक दी जाती, जो कि दोस्तों आपकी काउंसलिंग चल रही थी, इस समय रुकने का मतलब काफी लेट हो सकता था, लेकिन फिलहाल अब
69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया किसी भी प्रकार से रुकने वाली नहीं है, तो एक अच्छी खबर है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बता दीजिए अब भर्ती प्रक्रिया रुकेगी नहीं, और 3 से 6 जून तक दोस्तों आपके हाथ में नियुक्ति पत्र 100% दोस्तों आने वाला है। खाली शिक्षा मित्रों की दोस्तों कुछ बातें हैं जो कि ऑर्डर में क्लियर हो जाएंगी कि दोस्तों क्या होगा उनके साथ। फिलहाल जो दोस्तों आपके सामने हमने 2 पोस्टर आपके सामने शो कर रहे हैं, यहाँ पर एक जगह स्टेटस में ये शो हो रहा था दोस्तों कि यहाँ पर स्टे लग चुका है, लेकिन दोस्तों जब दूसरी पोस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट की जाती है तो आप यहाँ पर स्टे देख रहे हो, तो दोस्तों मतलब स्टेटस में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्टे की बात नहीं कही गई है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी छात्रों को। और देखिए फिर से हम वीडियो के अंत में एक बार आपको सेफ जोन भी डिसाइड कर देते हैं, बता देते हैं दोस्तों अब तक जितनी बार मतलब सर्वे हुए उसके अकॉर्डिंग दोस्तों देखिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी। देखिए एससी में भाई सीटें बढ़ रही हैं, तो अगर एससी कैटेगरी में आप 55+ से लेके दोस्तों आप होता है ना 58+ पर भी हैं तो आपको नियुक्ति पत्र तकरीबन तकरीबन अब पक्का है, अब ज्यादा कम होंगे तो शायद ना मिले, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों 65+ पर या 66+ पर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जनरल में दोस्तों वही 66 से लेके 66+ पर मतलब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। बाकी दोस्तों एसटी में आप पास होंगे तो नौकरी लेकर जाएंगे, और अन्य जैसे फिजिकल हैंडीकैप हो गया पास हो जाइए आप लोग, एक्स सर्विस मैन हो गया पास हो जाइए, नौकरी लेकर जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस खुशखबरी को दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।